सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है सेक्टर 62 का गोल चक्कर, और आपको ये गोल चक्कर देख के कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर ये गोल चक्कर बनाए यहाँ पर, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सेक्टर 62 से लेकर और सेक्टर 18 का मार्केट आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहो वीडियो के एंड तक, और देखने के लिए मिलेगा आप सभी को बहुत कुछ। गाइस, एक्सपो देख सकते हो, ये तस्वीरें पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज। देखो कुछ ये सीन है यहाँ का, और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये वाला, और यहाँ से हम घूम जाते हैं और यहाँ से ये मुड़ जाता है। देख सकते हो तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं, और देखो ये लिखा हुआ है नोएडा बड़े बड़े अक्षरों में गाइस। और यहाँ से लेकर चलने वाला हूँ आज मैं आपको सेक्टर 18। देखो कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ की, और ये है ब्लू लाइन। यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरें। कुछ ऐसा है नोएडा सिटी, जो कि आपको रूट सब आपको रूट दिखाते हैं सेक्टर 18 तक का। यहाँ से चलेंगे सीधे सीधे, और कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आज इस वीडियो में। और यहाँ से चल के आपको सेक्टर 18 का मार्केट भी दिखाएंगे। देखो इस रूट पे कितना स्लो डाउन रहता है वो आज आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा की जो बिजी रोड है वो सबसे ज़्यादा यही है दोस्तों, क्योंकि ये सीधा ग्रेटर नोएडा में जाकर निकलती है, तो इस वजह से इस रूट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है क्योंकि इस एरिए में सबसे ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो आप लोगों को मिलेंगी इसी रूट पर, इसी एरिए के अंदर अंदर। आपको बता दूँ के सेक्टर 62, सेक्टर 63, सेक्टर 64, सेक्टर 65 पर ये यू टर्न है, इस वजह से यहाँ पर जाम रहता है। पहले आप लोग देख सकते हो इधर साइडों में ये जो शौचालय है निःशुल्क शौचालय, ये पहले नहीं हुआ करता, और ये आ जाता है सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन। ये देख सकते हैं सेक्टर 62। इधर ये रोड चौड़ी की जा रही है क्योंकि यहाँ पर यू टर्न आया था, यू टर्न इन्होंने बंद कर दिया है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये रोड को चौड़ी किया जा रहा है दोस्तों। और ये यहाँ पर आ जाता है मेट्रो स्टेशन सेक्टर 59 नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया, और इसको क्रॉस करने के बाद में दोस्तों ये आ जाता है अंडरपास। दोस्तों ये अंडरपास है, देख सकते हो दोनों तरफ ये पेंटिंग बनाने का काम चल रहा है, यहाँ पे पेंटिंग बनाई जा रही है। दोनों साइडों में यहीं से हमें राइट में जाना है दोस्तों सेक्टर 18 के लिए।
और चौथा मेट्रो स्टेशन ये जा आ चुका है सेक्टर 61 नोएडा। ये सेक्टर 61 का मेट्रो स्टेशन है दोस्तों नोएडा का। और हम आगे से लेंगे यू टर्न क्योंकि हमें चलना है सेक्टर 18 के लिए, तो वहाँ के भी आपको मार्केट आज एक्सप्लेन करते हैं। ये बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा जाकर निकलेगा। तो यहाँ से हम हो जाते हैं यू, सेक्टर 18, सेक्टर 24, सेक्टर 28, 31, 33, 53, 61, 66, इधर ही हम चलेंगे, यहाँ से हो जाएंगे लेफ्ट में दोस्तों। तो इसी वजह से इन्होंने ये यहाँ पर अंडरपास दिया है दोस्तों, क्योंकि इसको सही तरह से क्रॉस कर सके और ये निकलेगा जाके आपको बता दूँ गौर चौक पे। दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैं रूट समझा दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है बाहर से आ रहे हैं आपको सेक्टर 62 से, और आपको जाना है अगर नोएडा सेक्टर 18 के लिए, तो ये रूट सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट रूट है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को फॉलो करना, और फॉलो करके आप आराम से सेक्टर 18 के लिए जा सकते हैं दोस्तों, कोई झंझट नहीं होगा। और देख सकते हैं यहाँ से हम इस पे बीच में आ जाते हैं, ये यहाँ से हम ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऊपर चढ़ के ये आपको बता दूं, ये देख सकते हो सेक्टर 18 यमुना एक्सप्रेस वे, ये सीधा निकल जाता है DND नोएडा सिटी सेंटर। ये सीधे इस रूट पे हम निकल सकते हैं, और आपको बता दूं जो फ्लाईओवर आने वाला है दोस्तों, ये करीब करीब आपका होगा 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, और इस फ्लाईओवर पर महाराजा अग्रसेन भवन, और इधर है ये NTPC। देखो दोस्तों ये है NTPC इधर की साइड में, और ये है महाराजा अग्रसेन। ये देखो ये रूट आपको रास्ते में पड़ेंगे सेक्टर 18 के, और वो थोड़ी थोड़ी सी जो बिल्डिंग चमक रही है वो सेक्टर 18 के अंदर ही है दोस्तों। और देख सकते हो इधर है ये नोएडा सिटी सेंटर का मेट्रो स्टेशन। ये पर एक सरकारी हॉस्पिटल भी है, और ये सरकारी हॉस्पिटल है देख सकते हो तस्वीरें ये निखारी के अंदर। यहाँ से ये लेफ्ट में है दोस्तों, एक देख सकते हो ये बॉटनिकल गार्डन के लिए चला जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा रोड। ये बॉटनिकल गार्डन के लिए चला जाएगा इधर से, बिल्कुल सीधा सीधा अगर हम जाते हैं तो बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा दोस्तों। तो उससे पहले ही हमें यू टर्न लेना है सेक्टर 18 को जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। DND फ्लाईवे, देखो DND फ्लाईवे, इसमें यू टर्न दिखा रहा है अट्टा मार्केट के लिए, यू टर्न दिखा रहा है दादरी फेज 2, देख सकते हो वो सीधा सीधा दिखा रहा है इस पर। और यहाँ से हम यू टर्न ले लेते हैं गाइस, और जैसे ही हम यू टर्न लेंगे वैसे ही सेक्टर 18 का मार्केट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, यानी कि अट्टा मार्केट जैसे बोला जाता है। और ये ब्लू लाइन जा रही है, और ये ब्लू लाइन देख सकते हो ये मयूर विहार होते हुए, मयूर विहार फर्स्ट, मयूर पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पढ़ेंगे ये मयूर विहार, और सीधा चला जाएगा।
और ये है द ग्रेट इंडिया पैलेस दोस्तों, ये वाला, ये द ग्रेट इंडिया पैलेस, इसमें लिखा भी होगा, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये गेट है द ग्रेट इंडिया पैलेस, ये यहाँ पे, और देख सकते हो ये सारा रूट जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, और वो वहाँ पर है वेब सिटी, वो वेब सिटी आप लोगों को दिखाई देगा। तो आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं सेक्टर 18 का मार्केट, यानी कि अट्टा मार्केट भी इसको बोला जाता है गाइस। अब यहाँ से अगर हम राइट में लेफ्ट में जाते हैं दोस्तों तो ग्रेटर नोएडा के लिए, ये कालिंद्री कुंज के लिए इधर से निकल जाएंगे हम, इधर से निकल जाएंगे, और मेरे लेफ्ट वाला देख सकते हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड वाला है, डैब नोएडा सेक्टर 18 में आप सभी का स्वागत है। पर यहाँ तक ये देख सकते हो, ये सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, डैब नोएडा सेक्टर 18, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा मार्केट है सेक्टर 18 का, दोनों साइडों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है यहाँ का, बहुत बड़ा जो मार्केट है दोस्तों वो है पूरा मार्केट यहाँ सेक्टर 18 का, देख सकते हो। इधर आपको जिधर भी आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही आपको खाने पीने का, फूड से रिलेटेड सारी शॉप्स आप लोगों को, रेस्टोरेंट सारे में ही देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए दोस्तों। देख सकते हो दोनों साइडों में ये मार्केट है, जिधर आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही, और ये इधर मेरा वेब सिटी चमक रहा है। ये पूरा मार्केट है सेक्टर 18 का, अट्टा मार्केट जैसे बोलते हैं हम। देखो दोस्तों कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ का, ये अट्टा मार्केट का, इधर भी है ये मैकडॉनल्ड्स, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, सारे में ही आपको मार्केट ही नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा। देखो वो सामने लिखा है बैब, तो काफी लंबा चौड़ा मार्केट है ये दोस्तों। काफी लंबा चौड़ा मार्केट है, काफी बड़ा मार्केट है गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। देखो ये क्या कौन सी गाड़ी है, चूहे मार, चूहे की तरह गाड़ी है दोस्तों। ये यहाँ से नोएडा वेब स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। देखो ये है नोएडा वेब जिसे बोलते हैं, नोएडा वेब, काफी बड़ा है दोस्तों, ये देख सकते हो, ये है नोएडा वेब जिसे बोलते हैं, और दोनों साइडों में ही आपको मार्केट नजर आएगा दोस्तों, दोनों साइडों में ही। ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ का ये मार्केट दोस्तों, पूरा ही है दोस्तों मार्केट। देखो सेक्टर 18 का मार्केट पूरा का पूरा, देखो गाड़ियाँ निकल रही हो, ये देखो सारे में ही आप लोगों को शॉप्स देखने के लिए मिलेंगी। चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। और यहाँ पर है ये प्लेस चौकी, देख सकते हैं दोस्तों,
कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ का, ये सेक्टर 18 का दोस्तों। चलो इधर चलते हैं, देखो यट्टा मार्केट है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, पूरा मार्केट आप लोगों को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं अट्टा मार्केट का। चलो दोस्तों एंजॉय करो अट्टा मार्केट केपी संत के चैनल पर दोस्तों। सारी गलियां सब कुछ आप लोगों को दिखा देता हूं मैं इस वीडियो के अंदर, आप लोग देख लो और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। चलते हैं और आपको दिखाते हैं चल के कि कैसा मार्केट है यहाँ का। देख सकते हो आप लोग चारों तरफ, आप लोग नज़र उठा के देखेंगे आप लोगों को मार्केट ही मार्केट नज़र आएगा दोस्तों। देख सकते हो सारे में ही मार्केट है यहाँ। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ रेस्टोरेंट है गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है वो आपको बता दो, सबसे ज़्यादा यहाँ कपल्स आते हैं आज की डेट में। ये कपल्स के लिए ही जाना जाता है अट्टा मार्केट गाइस, तो इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख सकते हैं गाइस सारा मार्केट आप लोगों को नजर आएगा किस तरीके का मार्केट है ये। चलते हैं और आपको बाहर का भी दिखाते हैं कि बाहर का मार्केट कैसा है। इधर से है रास्ता नहीं, हम इधर से ही चलेंगे दोस्तों, हम इधर से नहीं चल रहे, हम इधर से ही चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि उधर कुछ भी नहीं है, इधर कम से कम मार्केट तो है। और देखो ये बैब बन के ही ये पार्किंग है दोस्तों, ये जो लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं आप सभी, और सामने ये मार्केट है और बहुत ही पुराना मार्केट है ये दोस्तों, काफ़ी पुराना मार्केट है यहाँ का। ये तनिष्क टाटा प्रोडक्ट, ये तनिष्क टाटा प्रोडक्ट गाइस, अब हम चल रहे हैं। इधर से चला आपको इधर से दिखाएं एक बार, चलो इधर से ही दिखा देते हैं। इधर से दिखाते हैं आप लोगों को और फिर हम मेन रोड पर आ जाएंगे। मेन रोड पर आने के बाद में और फिर हम रिटर्न हो लेंगे अपने घर के लिए गए। बस मुझे ये मार्केट दिखाना था आप सभी को। देखो कुछ ये हम आ चुके हैं अट्टा मार्केट से बाहर निकल चुके हैं और इधर ये पार्किंग है, ये पार्किंग एरिया है सारा। और यहाँ से हमें चलना है किधर की साइड में दोस्तों, हमें चलना है लेफ्ट, ओ सॉरी हमें राइट में जाना है, तो यहाँ से हम राइट ले लेते हैं और राइट में चलने के बाद में फिर आपको बाहर का भी मार्केट दिखा देते हैं कि बाहर का मार्केट कैसा है। आप लोग बाहर का भी मार्केट देख लो,
पूरा का पूरा आज आप लोगों के इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैंने लॉकडाउन से पहले आप लोगों को दिखाया था कुछ, और कुछ आप देख लो। तो यहाँ से हम चलेंगे दोस्तों, राइट, ब्लू हो चुकी है, निकल लो दोस्तों। हमने भी इंडिकेटर दे दिया है जो कि हम चलेंगे राइट में, और आप लोगों को इस मेन रोड का देखने के लिए मिलेगा क्या, मार्केट। देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसा मार्केट है, वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ हाथ में लेके कैमरे को। देखो कुछ ये मार्केट है यहाँ का, अट्टा मार्केट का, सेक्टर 18 नोएडा, बहुत ही फेमस मार्केट है यहाँ का। देख सकते हो आप लोगों को कपड़े कपड़े, क्लॉथ ही क्लॉथ आप लोगों को नजर आएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा मार्केट है। और इधर का देख सकते हो, ये मार्केट है, और सामने ये देख सकते हो मेट्रो स्टेशन है, टैब 1 सेक्टर 18। तो आप लोग बताना दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो ये बहुत घना मार्केट है, और यहाँ पर ऐसे ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखो बैब 1 नोएडा सेक्टर 18, देखो मार्केट आप लोग, ये है मार्केट का व्यू। देखो कितना घना मार्केट है यहाँ। देखो दोस्तों, ये मेट्रो को हम क्रॉस कर चुके हैं, अब इधर भी देख सकते हो, इधर भी आप लोगों को ये पूरा ही मार्केट देखने के लिए मिलेगा, क्रॉस से रिलेटेड, ये सारा क्रॉस से रिलेटेड ये मार्केट है पूरा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और हमें भी इधर ही चलना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आगे का भी देख लो थोड़ा सा आप लोग, यहाँ कोने का वो भी आप लोगों को दिखा देगा। और ये है अंडर पास जो कि इधर राइट में निकल जाएगा दोस्तों, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के लिए, DND के लिए। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, तो यहाँ पर मार्केट लग रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ का, ये है मार्केट का नज़ारा दोस्तों। ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग मार्केट देख सकते हो कितना घना मार्केट है यहाँ, सेक्टर 18 का गाइस। देख लो आप लोग पूरा मार्केट, ये सारा सेक्टर 18 का ही मार्केट है गाइस। तो वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसा लगा आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बताना ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।